नमस्कार, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज हमारे गांव में श्रीमद् भागवत स्टार्ट होने वाला है, 7 दिन का है। तो आपको वहां लेके चलते हैं और दिखाते हैं क्या क्या हालचाल है वहां के। तो आशा है आप सबको वीडियो पसंद आएगी और बन के रहिए, आप वीडियो पर छोड़ के मत जाइए। दिखाते हैं आपको कलश यात्रा वगैरह सब कुछ है और चलते हैं स्कूल पे, क्योंकि हमारा छोटा मैदान है गाँव का, तो वहाँ लेके चलता हूँ आपको। यहाँ पे है हमारा तो अभी हमारे साथ हैं किशोर भाई जी। तो भाई जी, इस कार्यक्रम के बारे में बताइए आप। जैसे कि आज हमारी ग्राम पंचायत खुरगोला में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन का प्रथम दिन है और बाबा कैलापीर के प्रांगण में जो ये भागवत कथा हो रही है आज। और इस हमारी जो कार्यक्रम अभी जो कलश यात्रा जो है 10:30 बजे कलश यात्रा हमारे जो नौली जगह है वहाँ से शुरू होगी और उसके बाद जो है हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आज जो है हमारी जिला पंचायत सदस्य टिहरी की श्रीमती सोना सजवाण जी है और विशेष अतिथि जो हमारे हैं श्रीमती रेखा सवाल जी जो जिला पंचायत सदस्य है कन्याल गांव। और इसके साथ में जो है हमारे पूरे देवी देवता जो अभी थोड़ी देर में जो है श्री देवी देवताओं को हम तो यहाँ पे ला रहे हैं, जैसे माता नागिनी है, भगवान नागरजा है, गुरु कैलापीर का तो स्थान है, गुरु कैलापीर की भागवती है ये। और सभी ग्रामवासियों का बड़ा उत्साह है इसमें और हमारे ग्राम प्रधान जी का और सभी ग्रामवासियों का हमारे साथ पूरा सहयोग, सब नौजवानों का और माता शक्ति का भी बहुत सहयोग है इसमें। और हम सभी से मेरी नम्र निवेदन है कि सभी लोग हमारे क्षेत्र की जनता भागवत कथा सुनने में और इसका रसपान ग्रहण करने में अति कृपा करेंगे। और 5 दिसंबर को हमारे यहाँ एक विशाल भंडारा का आयोजन होगा। वैसे भंडारा तो प्रतिदिन रहेगा परंतु 5 दिसंबर को जो बलराज होता है, बलराज के दिन हमारे श्री देवी हमारी माता शक्ति हमारे क्षेत्र के लोग सभी जो है भगवान गुरु कैलापीर के पास आते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। और आपसे भी निवेदन है कि सभी लोग जो है गुरु कैलापीर के प्रांगण में आकर भगवान कैलापीर का आशीर्वाद लें। और धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। तो दोस्तों, जो भी तैयारी देख रहे हैं आप, ये सब भाईचारा, एकता और अपने साथ मिलकर जो काम करने की निष्ठा होती है उसको मिलकर आप देख रहे होंगे। सभी लोग तन मन धन से लगे हुए हैं और तन मन धन से ही तैयार हुआ है सब कुछ। यहाँ पर हमारे सभापति जी सबसे पहले अपनी पूजा अर्चना को पूरा करेंगे, उसके बाद कलश यात्रा एवं व्यास जी को लेने जाने का जो कार्यक्रम है वो होगा। भूतगणाद सेवितम कपीत जम्बो फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अच्छा, कहाँ के हो आप? आपके पापा क्या करते हैं? कहाँ पढ़ाते हैं? गोमय स्नानम। और आपको कहाँ पढ़ाते हैं? कैसा लगता है यहाँ पे? अच्छा लगता है। केदार ए मैनी बड़ी मंगसीर बुढ़ा केदार बजन लेगी रण सिंह नगाड़ू बजन लेगी रण सिंह नगाड़ू सजी के गुरु कैला पीर।
पीर बुढ़ा केदार सजी गे गुरु कैला पीर बुढ़ा केदार भगवारी देव गुरु कैला पीर बैर आई मंगसीर मैना बोड़ी है भगवारी देव गुरु कैला पीर बैर आई पट्टी थाती कठोर मा तेरू लिनो बास जिस ध्यानी आरी पे मा लगी रंदी आस दीदी भूली सभी खुद मिटाली दीदी भूली सभी खुद मिटाली मिटेली मेरा एक पीर बुढ़ा केदार सजी गे गुरु कैला पीर बुढ़ा केदार मानपुर बटी बुढ़केदार आई नबी जो लकी थात बुढ़केदार पाई कीन मानपुर बटी बुढ़केदार आई नबी जो लकी थात कठूर मपाई कुमाऊँगढ़ बटी ने लड़े लड़ी आई वीर भड़ू ते तुने दगड़ा मर्याई राजी राजेश्वरी माता ज्वालामुखी राजी राजेश्वरी माता ज्वालामुखी बोली दगड़ी जाती रे बुढ़ा केदार सजी गे गुरु कैला पीर बुढ़ा केदार का दिन तेरो रोटी कटी जांदू ध्यानियों का बोल्यान देव छाती चोट लांदू संगरांदी का दिन तेरो रोटी कटी जांदू ध्यानियों का बोल्यान देव छाती चोट लांदू जोवान चेला तेरा पावन छबीर कुल को देवता मेरो गुरु कैला पीर देसु विदेशु मा तेरी कृपा देसु विदेशु मा तेरी कृपा जाने कौन दुध्यानियों खातीर बुढ़ा केदार सजी गे गुरु कैला पीर बुढ़ा केदार
मालनी जोल तेरा नाथ छी पुजारी यकी गाँव का बीच तेरा तोमर ओतारी से मालनी जोल तेरा नाथ छी पुजारी यकी गाँव का बीच तेरा तोमर ओतारी चांदी का ढोल तेरो रण सिंह नगाड़ू राजी खुशी रख देवता तो चढ़ो लुसारो सजन लेगी तेरा न्योज निशान सजन लेगी तेरा न्योज निशान जे देव गुरु कैला पीर बुढ़ा केदार सजी गे गुरु कैला पीर बुढ़ा केदार मेड मरवाड़ी बटिन ठकर वाला ओंदा आठ फेरा पुंडा रुका सेरा ते भगोंदा मेड मरवाड़ी बटिन ठकर वाला ओंदा आठ फेरा पुंडा रुका सेरा ते भगोंदा पराला की पुरी तेरो मातम लगोंदा जवान बुढ़िया सिटी बजे के पुंडारू मौंदा गली फुट दी लगी जांदी भीड़ जब गली फुट दी लगी जांदी भीड़ तेरा मातम खातिर बुढ़ा केदार सजी गे गुरु कैला पीर बुढ़ा केदार हाथी कठुर गौ का लोग त्वलीक हाँ राणा से माल नेगी बगुणा मिलीक हाथी पट्टी कठोर का गौ त्वलीक मंदिर की थात माँ ओतारा त्योंदू ओजी डोरो दास तेरो ढोल बजोंदू हे कुल का देव तेरा चरणों माँ हे कुल का देव तेरा चरणों माँ झुकोंदू अपड़ू मसीर बुढ़ा केदार धूम सिंह झुकोंदू नसीर बुढ़ा केदार अब आप देखेंगे कि जो श्रीमद् भागवत कथा है जो लिखी हुई कथा है वो सभापति जी अपने घर पे ले जा रहे हैं और पीछे उनकी धर्मपत्नी जो जल कलश के साथ जा रही हैं। कलश के लिए यात्रा निकलती हुई सबसे आगे हमारे सभापति महोदय जी हैं और उनके बीच बुढ़ा केदार
सिर मैना बोड़ी है बगवारी देव गुरु कैला पीर बैर आई। तो मैं अभी यहाँ खेत में आया हूँ साइड में। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में आपने देखा होगा कि गांव का जो भाईचारा होता है उससे सारा काम चलता है। तो अब मैं थोड़ा शादी में जा रहा हूँ, कहीं का निमंत्रण है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। तो अब मैं आपको दिखाऊँगा कि इसके बाद भागवत जब कथा होती है तो वो कथा आपको सुनाएंगे। हो सके तो मैं लाइव भी आ सकता हूँ। 7 दिन की कथा चलेगी। तो सात दिन में अगर मुझे टाइम मिले तो मैं कोशिश करूँगा डेली वीडियो डालने की। और थोड़ा शेड्यूल मेरा बिजी है तो इस वजह से वीडियो नहीं डाल पाता हूँ। और जो सेम मुखेम की वीडियो आनी थी उसमें विलम्ब इसलिए हुआ क्योंकि कोई गाँव में एक्सपायर हो गया था, तो मैं नहीं जा पाया, उस वजह से वीडियो नहीं आ पाई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो अभी सीधे निकलता हूँ घर की ओर और अपना तैयार वगैरह करके फिर निकलता हूँ शादी में। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। वीडियो का लाइक कर देना, आने वाली वीडियो भी ज़बरदस्त आएंगी, तो उन वीडियो का भी वेट करना। और तब तक के लिए बाय बाय।